मैं एक ही राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एक ही राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइव टेस्ट पेपर 5 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 12.5% की कमी हुई, 25% की कमी हुई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। 25% की कमी हो गई उसके भाव में, लेकिन बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोला गया कि 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए क्या होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू था 1/4। तो भाव में 25% की कमी हो गई, तो पहले यदि भाव यदि 4 था तो अब भाव घटकर कितना हो गया, 3 हो गया। तथा 30% की वृद्धि हुई वस्तु के दैनिक बिक्री में, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/10। इसका मतलब पहले 10 था तो 3 बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये इसका बिक्री था जो कि आपका बढ़ गया। तो अगर टोटल रिजल्ट को देखा जाए तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये 40 हो गया, तो ये कितना हो गया, 39। बोलिए कितने का कमी हो गया, तो कमी हो गया 1 का, 1 का कमी हो गया कितने में, 40 में। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये 2 हो गया, 0 से 0 कैंसिल और ये 2 हो गया, तो 5/2 तो क्या हो जाएगा, 2.5% का क्या हो जाएगा कमी, और यही इस प्रश्न का क्या होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 रुपए की एक वस्तु के कीमत में पहले 10% बढ़ा दी गया। तो 100 रुपए वस्तु का कीमत था, उसमें पहले 10% हमने बढ़ा दिया, तो 11/10 क्या हो गया, 10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, और 10 में 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 11/10। फिर कह रहा है कि उसमें 10% बढ़ा दिया गया, तो फिर ये कितना हो गया, 11/10 कितना हो गया, 10। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 121। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाएगी, तो पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो वृद्धि कितने का हो जाएगा, 21 का, और ये इस प्रश्न का उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की भुजा में यदि 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। देखिए वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा जब स्क्वायर है तो भुजा का यूज हम कितना बार करेंगे, 2 बार। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 16.2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, 6 में 1 बढ़ जाएगा तो 6 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 7। अब पुनः 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ देखिए तो आप बोल सकते हैं कि 36 से कितना हो गया, 49। बोलिए कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया आपका 13। 13 बढ़ गया कितने में, 36 में। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो आप यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और यहाँ सल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 9 का 36, ये 25 में कैंसिल हो गया, 13 × 5 = 65, 5 × 6 = 13 × 2 = 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32/9%। इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 36.1%, और ये इस प्रश्न का उत्तर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, जो कर्मचारी की संख्या थी उसे किस अनुपात में बढ़ा दिया गया। तो कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा दिया गया 8:9 के अनुपात में। इसका मतलब पहले 8 था तो अब कितना हो गया, 9। लेकिन उसकी मजदूरी को 11 पूर्णांक, जो उसकी मजदूरी थी उसे क्या किया गया, 11.1% से घटा दिया गया। 11.1% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। तो 9 में जब 1 घट जाएगा तो पहले अगर ये 9 था तो अब घट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कह रहे कुल आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो कुल आय के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया था, तो 1:1 आ गया। अर्थात पहले अगर कुल आय 1 रुपया था तो अभी क्या है, 1 रुपया है। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, और ये इस प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है, तो 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90।
पे, फिर कह रहा है कि परिणामी संख्या को फिर 20% कम कर दिया था, तो ये 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा 80, तो बोलो टोटल कितना कम हो गया, तो टोटल ये हो गया 72, तो 100 से कितना कम हो गया भाई 28, तो 28% की क्या हो जाएगी, 28% की कमी हो जाएगी, और ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई, तो जल कर में जब 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया, लेकिन उसकी खपत 20% कम हो गई, तो खपत 20% कम हो गया तो 100 से घटकर कितना हो गया 80 हो गया, बट्टा में 100 जीरो से जीरो कैंसिल, 12 बटे कितना हो गया 96। बोलिए अगर टोटल पहले 100 था, 96 हो गया तो कितना कम हो गया 4, तो 4% की क्या होगी, 4% की कमी हो गई, और यही इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो ये कितना हो जाएगा 125, और फिर कह रहा है कि तेल के उपयोग में 20% कमी करती है, तो 20% कमी तो ये कितना हो गया 80, बट्टा ये कितना हो गया 100, तो 25 से ये गया 5 बार में, 25 से गया ये 4 बार में, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो 4 से कैंसिल हो गया कितने बार में चला गया, तो 20 बार में चला गया, तो 20 बार में चला गया तो ये हो गया 20 × 5 = 100, अर्थात पहले भी जो खर्च था वो आपका 100 था, अब भी क्या है 100 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 0% की वृद्धि या कमी आप बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 0%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः, लंबाई एल, चौड़ाई कितना बी, ऊंचाई कितना एच, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो 5 से क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, चौड़ाई में क्या किया गया 25% की कमी कर दी गई तो 5 से क्या हो गया आपका 4 हो गया, और सॉरी 25% की कमी कर दी गई, 25% की कमी कर दी गई तो पहले अगर ये 4 था तो अब कितना हो गया 3। उसके बाद फिर अब वो कह रहा है कि ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी गई तो ये अगर 4 था तो ये कितना हो जाएगा 5, तो अब इसे गुना करना है क्योंकि पता है कि एल गुने बी गुने एच करने पर क्या होता है आयतन हो जाता है, तो यहां से कैंसिल होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल होगा आपका 3 दूनी और ये 2 दूनी, तो 4 दूनी ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 9, बोलो कितने का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ आपको कितने का 1 का, तो 1 का वृद्धि हुआ कितने में, 1 का वृद्धि हुआ 8 में, तो अब क्या बोल सकते हैं कि 12.5% का क्या हुआ वृद्धि हुआ, और ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है, व्यंजक ए बी स्क्वायर में, एक व्यंजक दे दिया ए बी स्क्वायर, इसका मतलब ए का यूज 1 बार किया गया और बी का यूज कितने बार किया गया 2 बार किया गया, तो कह रहा है कि ए के मान में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से बढ़कर ये कितना हो गया 6 हो गया, और फिर कह रहा है बी के मान में 20% की कमी हो गई तो 5 से घटकर बोलो ये कितना हो गया 4 हो गया, और फिर 2 बार यूज है इसलिए फिर 5 से क्या लिखेंगे 4, तो कह रहा है पूरे व्यंजक पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव क्या है, तो यहां से इसे कैंसिल कर सकते हैं हम, देखिए अगर हम कैंसिल करना चाहें तो यहाँ कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 5 × 5 × 5 125 और ये हो गया, चर्चाओं का 16 × 16 = कितना 96, तो बोलिए कितना ये कम हो गया, तो आपको 29 कम हो गया, कितना कम हो गया 29 कम हो गया, कितने में कम हो गया 125 में कम हो गया, तो कितना परसेंट भाई, तो 100 से गुना करके सिंबल लगा देंगे, ये 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में चला जाएगा, नचाओं का 36 × 6 कैरी 3, 4 × 2 = 8, 3 = 11 बट्टा ये क्या होगा 5%, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 और 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 और 5 × 2 = 10, अर्थात 23.2% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, और ये इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है कि एक व्यंजक है x²y³, इसका मतलब x का यूज 2 बार किया गया है और y का यूज कितना बार किया गया है 3 बार किया गया है, कह रहा है कि x के मान में 33.1/3% का वृद्धि होता है, तो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, इसका सेंस ये हुआ कि 3 से बढ़कर ये 4 हो गया और 3 से बढ़कर ये क्या हो गया 4 हो गया, अब कह रहा है कि y के मान में 25% की वृद्धि कर दी गई
तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। तो 25% की वृद्धि कर दी गई तो 4 से बढ़कर ये क्या हो जाएगा, 5। 4 से बढ़कर ये क्या हो जाएगा आपका, 5। और 4 से बढ़कर ये क्या हो जाएगा आपका, 5। अब यहां से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 4 4 सॉरी ये 5 आपका रहेगा, 4 4 ये कैंसिल हो गया, अब तो कुछ नहीं कटने वाला है। तो 34 12 बढ़ती है 36, ये हो गया 36, और 5 × 5 × 5 ये कितना हो गया, 125। तो बोले कितने का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि का अगर बात की जाए तो 25 और 11, तो आप बोल सकते हैं कि वृद्धि जो हुआ है वो हुआ है 89 का। 89 का वृद्धि कितने में हुआ, 36 में, गुने आप क्या कर लेंगे 100। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 25 बार में चला जाएगा और 4 से 9 बार में चला गया, तो 25 × 9 = 225 कितना हो जाएगा, 25 × 9 = 225। 5 कैरी कितना, 22 25 8 200, तो 2 2 2 / 9 इतना परसेंट। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 247.2%, 247.2% इसका सही उत्तर होगा।